ओके अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखा है, उसके बेस पे कुछ सवाल देख लेते हैं ताकि हम लोग ये सीख जाए कैसे डिटरमिनेंट को उसके प्रॉपर्टी को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी यूज़ करके ही डिटरमिनेंट के वैल्यू निकाला जाता है। ओके तो चलिए बारी बारी से मैं क्वेश्चन देखता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन, मैं 5 क्वेश्चन लिख दिया हूँ, बारी बारी से मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन को देखने से ही लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें एलिमेंट्स ध्यान से, 1 1 1 है, बी सी सी ए बी है, इसमें देखिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, या इसकी जगह पर अपलाइन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अपलाइन क्या अप्लाई कर रहा है, ये कॉलम थ्री में, ठीक है ना, कॉलम थ्री में कॉलम टू को ऐड कर देते हैं, ठीक है, या कॉलम टू में कॉलम थ्री को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने किसका ऑपरेशन करा, कॉलम थ्री का, तो कॉलम थ्री में इसको ले जाके आप जोड़ दीजिए, तो सी टू को जोड़ रहा है, ठीक है। वी गेट, देखिए क्या आ रहा है ना, ये 1 1 1 हो जाएगा, चूंकि यहाँ कॉलम थ्री को अप्लाई कर रहा है, तो कॉलम वन और कॉलम टू वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ इसको कॉलम थ्री में ही बदलेंगे, तो टू भी रहने दीजिए, ठीक है। अभी ले जाके इसे जोड़ दीजिए, जुड़िए तो क्या होगा, जुड़िए इसे सजा के लिख दीजिए, ए बी प्लस क्या होगा बी सी प्लस क्या होगा ए सी, इसको ऐड कर दिए, इसमें भी ऐड कर दीजिए, क्या होगा, अरेंज करके लिख दे रहा है, ए बी बी सी प्लस सी क्या हो गया सी ए हो गया, फिर इसको भी जोड़ दीजिए, ए बी प्लस क्या बी सी प्लस सी ए, इसको अरेंज करके लिख दिए, क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट में एक और सिमिलरिटी है कि ये सभी एलिमेंट सेम है, सेम है कि नहीं, सभी एलिमेंट सेम है, तो उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जो एलिमेंट सेम होते हैं ना, कॉमन लेने वाला टर्म को हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो टेकिंग कॉमन आउट नहीं क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिए, कहाँ से, फ्रॉम सी थ्री से, क्लियर है, कॉलम थ्री से ही कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेके देखिए तो कितना आ रहा है, निकालिए बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा सी ए, बाहर आ गया डिटर्मिनेंट, देखिए क्या बचेगा, 1 1 1 बी सी सी ए बी, क्लियर है, आइए निकल गया, तो इसके जगह पर कितना बचा है, 1 1 1। अब ध्यान से देखिए दो कॉलम इक्वल है, एक प्रॉपर्टी याद आ रहा होगा आपको, अगर किसी डिटरमिनेंट में दो कॉलम इक्वल हो या दो रो इक्वल हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, जीरो प्लस सी ए इंटू कितना हो गया इसका वैल्यू, जीरो, ठीक है, बराबर कितना हो गया, जीरो, आंसर, क्लियर है। ओके अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, टू, चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं ना। इसमें देखिए क्या कौन सा ऑपरेशन कर रहा है ना, अप्लाइन, अप्लाइन, ठीक है, कुछ सिमिलरिटी है, ध्यान से देखेंगे तो क्या कर रहा है, फर्स्ट रो में जोड़ दे रहे हैं सेकेंड रो को, फर्स्ट रो में सेकेंड रो को जोड़ा, लेकिन 8 से गुना करके सेकेंड रो में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जाके फर्स्ट में जोड़ देंगे, देखिए देन क्या आ रहा है, देखिए तो इसमें जोड़ना है, तो 8 से गुना कीजिए, 8 7 56 1 57, क्लियर है, फिर 8 से गुना कीजिए इस जोड़िए 89, क्लियर है, 8 से मल्टीप्लाई करके जोड़िए तो कितना आएगा 105, क्लियर है। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 में 8 से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ देंगे, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके 8 7 56 1 57, उसी प्रकार किया गया है, बाकी अब उतार दीजिए क्योंकि R1 का ऑपरेशन किया है ना, तो खाली R1 चेंज है, बाकी सब रहने दीजिए, 7 11 13 57 89 105, क्लियर है। तो देखिए तो हियर वी सी दैट R1 और R3 क्या है, दोनों इक्वल है, इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो, यहाँ लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज कर दिए, यहाँ क्या है R1 इक्वल टू क्या है R3, क्या अगर
किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल है तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होता है, जीरो। आप निकाल कर देखिएगा, यही आएगा, चाहे इसको एक्सपेंड करके देखिएगा तभी जीरो ही आएगा, ठीक है। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।